हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजोरिया और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉसेज लॉ के बारे में और साथ ही हम गॉसेज लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी प्लेन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा, जिसमें थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और अगर हम किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि हम उस क्लोज सरफेस को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर हर एक एरिया एलिमेंट से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। और जब हम सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को ऐड करते हैं, उनका टोटल करते हैं, तो हमारे पास उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। इसमें हमको एक बात याद रखनी होती है कि जो किसी भी क्लोज सरफेस में इनवर्ड फ्लक्स होता है उसको हमेशा नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखा जाता है और जो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हमेशा पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखा जाता है। अब अगर हमें किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू पता हो तो हम एक सिंपल सा लॉ यूज़ करके उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और उस लॉ का नाम होता है गॉसेज लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। यानी किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्लोज सरफेस के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज हैं तो हम सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस को ऐड कर लेंगे विद सिंबल और हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा उसको अगर हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। यानी गॉसेज लॉ को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे क्यू इन का मतलब है टोटल चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस और एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू आपको याद रखनी है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब हम गॉसेज लॉ को प्रूव करते हैं। गॉसेज लॉ को प्रूव करने के लिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस कंसिडर की है जिसके सेंटर पे हमने कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है और इस क्लोज सरफेस की रेडियस है आर, यानी चार्ज से सरफेस का हर एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे होगा। कोई भी चार्ज हो उससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है ई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी इस चार्ज की वजह से इससे आर डिस्टेंस पे सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। साथ ही जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर हम इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। यहाँ पे डी एस का मतलब है एक स्मॉल एरिया एलिमेंट जो कि आपको क्लोज सरफेस के ऊपर लेना है। जैसे यहाँ पे हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं डी एस और इसकी डायरेक्शन चेक करते हैं तो डायरेक्शन हमेशा एरिया एलिमेंट की होती है सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। आप इस पूरी सरफेस पे कहीं भी एरिया एलिमेंट ले सकते हैं, उस एरिया एलिमेंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सेम आएगी तो पूरी सरफेस के लिए थीटा रहेगा 0 डिग्री। तो जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू आएगी 0, कॉस 0 डिग्री हो गया 1। साथ ही आप देख सकते हो कि पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्योंकि पूरी सरफेस की चार्ज से डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसलिए ई की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होगी तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर लिखा जाएगा डी एस। अब अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूँ तो ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मतलब है कि जैसे ये एलिमेंट लिया अपन ने डी एस, ऐसे पूरी सरफेस पे अगर स्मॉल एलिमेंट्स लेके सबको ऐड किया जाए तो उसको बोला जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस आएगा सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर के बराबर, यानी 4πr² के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 4πr² है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो आंसर आया वो आया क्यू बाई एप्सिलॉन।
तो हम देख सकते हैं कि हमने जब क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये गॉसेस लॉ होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होगा। तो इससे हमारा गॉसेस लॉ प्रूव हो जाता है। तो चलिए अब हम गॉसेस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं तो जो क्लोज सरफेस हम कंसिडर करेंगे उसका शेप और साइज कुछ भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर क्लोज सरफेसेस के अंदर चार्ज की वैल्यू सेम है तो उनसे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम होगा। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने तीन क्लोज सरफेस कंसिडर की हैं और तीनों सरफेस के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो हर एक सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी तीनों सरफेस से इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। गॉसेस लॉ से रिलेटेड जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमको सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज ही कंसिडर करना होता है। अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्जेस क्लोज सरफेस के बाहर हैं तो उनको हम फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, यानी इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको लिखा जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, यानी टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो आपने देखा कि जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर थे उन्हीं को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। गॉसेस लॉ से रिलेटेड जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर एन सिमेट्रिकल फेसेस हों और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो उस क्लोज सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ हो तो उस क्लोज सरफेस के किसी एक फेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 1/n टाइम्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक क्यूब को कंसिडर किया है। इस क्यूब का हर एक जो फेस है वो सिमेट्रिकल होता है। अब इसके सेंटर पे हमने कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है तो इस क्यूब से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होगा फाइनेट इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके किसी एक फेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको लिखा जा सकता है फाइनेट अपॉन एन, या फिर उसको लिखा जा सकता है 1/n क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखा कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस में एन सिमेट्रिकल फेसेस हैं तो उसके किसी एक फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्यू बाई एन एप्सिलॉन नॉट। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि गॉसेस लॉ क्या होता है और साथ ही गॉसेस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।